Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, last time I have sended one video, that is alphabet. What? Alphabet. Yes. And I have sended worksheet also. So, you all wrote in your book. आप सब ने अपनी बुक में लिखा है कि नहीं? जो मैंने आपको पिक्चर्स भेजे थे, वीडियोस भेजे थे, आपने देखा? ओके. सो आज हम लोग टुडे विल मूव ऑन आवर नेक्स्ट लेसन, नेमिंग वर्ड्स. व्हाट? नेमिंग वर्ड्स. व्हाट इज मीन बाय नेमिंग वर्ड्स? नेमिंग का मतलब क्या होता है? यस, नेमिंग मीन्स नेम. नेमिंग मीन्स नेम. किसी का भी नाम, ठीक है? तो हम जो एवरीडे मीन्स रोज़ बहुत सारी चीज़ों का हम नाम लेते हैं, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स. अभी इसमें देखो, कौन सी पिक्चर है ये? यस, स्पून, फोक, प्लेट, ग्लास आर नेम्स ऑफ थिंग दैट वी यूज एवरी डे. ये जो हमारे घर में स्पून होता है, फोक होता है, प्लेट्स होती है, ग्लास होते हैं, है ना, ये सब हम रोज नाम लेते हैं इसके. और ये क्या है? थिंग है. थिंग मतलब कोई भी सामान. किसी भी सामान को हम थिंग कहते हैं. THINGS, थिंग्स. वर्ड्स दैट आर नेम्स ऑफ थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड. किसी भी वर्ड को नाम लेके बोलना, उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोम, टॉवेल, पेंसिल, डस्टबिन. ओके, ये सब भी हम डेली में नाम लेते हैं. सो अभी आपको समझा नेमिंग वर्ड क्या है. नेमिंग वर्ड किसी का भी नाम. किसी भी चीज़ का हम नाम लेते हैं, उसे कहते हैं नेमिंग वर्ड. तो एवरीडे थिंग में क्या आता है? रोज़ हम क्या क्या करते हैं ना, और जितनी चीज़ों का नाम लेते हैं उसे नेमिंग वर्ड कहते हैं. अभी देखो, यहाँ पे वन एक्टिविटी है. What are the things that you use to keep yourself clean? Match things with the body parts they used for. अभी इसमें एक साइड में देखो क्या दिया है, कॉटन बर्ड, दूसरी साइड टूथपेस्ट, नेल कटर, कोम. अभी ये चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो उससे हमको मैच करना है. कॉटन बर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? हमारे कान साफ करने के लिए. टूथब्रश, टीथ. नेल कटर, नेल्स. एंड कोम, हेयर. इसे हम मैचिंग करेंगे. ओके, नाउ वन मोर एक्टिविटी इज देयर. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैरी टू स्कूल? लुक एट द पिक्चर्स, चूज द नेम ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. बुक, इरेजर, पेंसिल, बैग, बॉटल, शार्पनर. अभी यहाँ पे देखो, ये है ना, यहाँ पे नाम है, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर्स है. तो ए नंबर की पिक्चर में कौन सा है? यस, बैग. सो BAG, बैग हमें यहाँ लिखना है. बी में क्या है? बुक. BOOK, बुक यहाँ लिखना है. इसमें से देख के ऊपर वाले जो ये ब्लॉक है ना, इसमें से देख के हमें लिखना है. बॉटल, BOTTLE, बॉटल. इरेजर, ERASER, इरेजर. शार्पनर, शार्पनर का स्पेलिंग क्या है? SHARPENER. पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, ठीक है? और एक एक्टिविटी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड गेस द थिंग्स दे डिस्क्राइब्ड, देन राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द रेन. ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें बारिश से बचाती है? तो पहले हमें यहाँ स्पेलिंग देखनी है. स्टार्टिंग स्पेलिंग क्या है? यू. यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? अम्ब्रेला. सो वी हैव टू राइट योर अम्ब्रेला स्पेलिंग.
इट टेल्स अस टाइम, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें टाइम बताती है? यस, क्लॉक। तो क्लॉक का स्पेलिंग यहाँ लिखना है। अभी सी में देखो, इट इज़ यूज टू कट पेपर, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम पेपर कट कर सकते हैं? यस, सीजर। सो यू ऑल हैव टू राइट योर सीजर स्पेलिंग। इट इज़ यूज टू कलर पिक्चर्स, ऐसी कौन सी थिंग है जिससे हम पिक्चर्स कलर करते हैं? यस, कलर्स। सो यू ऑल हैव टू राइट योर कलर्स। इट इज़ यूज टू थ्रो गार्बेज इन, हमें कौन सी ऐसी चीज़ हेल्प होती है जिस पर हम कचरे फेंकते हैं? गार्बेज मतलब कचरा। यस, डस्टबिन। सो हमने आज क्या क्या सीखा है? वर्ड्स दैट नेम थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। कोई भी सामान के नाम को अगर हम बुलाते हैं, चाहे कहते हैं, उसे हम नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए रहोगे, चेयर, बेंच, टेबल, लाइट, बोर्ड, फैन, है ना, विंडोज, पेंसिल, टूथब्रश, स्पून, बैग, बॉक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इसे हम थिंग कहते हैं। और क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स। सो चिल्ड्रेन, राइट इन योर टेक्स्ट बुक, ग्रामर की जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये एक्टिविटी करनी है। मैं आपको पिक्चर्स क्लिक करके एक्टिविटी एक्सप्लेन करके बता के आपको सेंड करूँगी, आप लोग को वो कॉपी डाउन करना है। ओके, थैंक यू।